वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और हम जैसा कि आपने पढ़ा पीछे हमारे वीडियो सेशंस में कि हम लाइव प्रोसेस के लेक्चर्स डाल रहे थे, और इसी सीरीज़ में ये तीसरा लेक्चर है हमारा इसको लेके। और लाइव प्रोसेस में हमने जो टॉपिक आज लिया है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, व्यू ऑफ बोर्ड से भी एंड व्यू ऑफ एंट्रेंस टेस्ट से भी। CBSE हार्ट से और सर्कुलेटरी सिस्टम से लगभग 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछती है बोर्ड में, तो आपको इसके बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए। और सही से आप इसके बारे में अगर जानते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट में जहाँ जहाँ एंट्रेंस में बायोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पर 3 से 4 नंबर का हार्ट से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ साथ जो एंट्रेंस है, ख़ासतौर से AVU एंट्रेंसेस क्लास 11 एंड JMI एंट्रेंसेस क्लास 11, BHU एंट्रेंसेस क्लास 11, वहाँ पर भी जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा दिल लगा के पढ़िए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और अच्छे से आप इसे कर पाए। दूसरी बात, जो नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को और हमारे जो चैनल है साइंस क्लियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो चीज़ें हैं उन्हें आसानी से मिल पाएँ और आसानी से वो उनको करें और आसानी से समझ लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। क्लास 10 लाइव प्रोसेस, टॉपिक हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे हार्ट के बारे में, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे आपकी जो हार्ट के पार्ट हैं यानी कि RBC, WBC, इन सब को हम इसमें कवर करेंगे। तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। साइंस बच्चों बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसे ढंग से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, दिल लगा के पढ़ते हैं, दैट इज़ ईजी सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, सो आपको इसके साथ बस जुड़े रहना है, आपको कोई भी तैयारी आसान लगने लगेगी, मेरा प्रॉमिस है ये आपसे। बस आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि जो है आपको वो सब मिले जिसकी आपको ज़रूरत है या आप जो चाहते हैं। ठीक है, दूसरी एक और हमें इन्फो आपको देनी है, वो इन्फो ये है कि अब हम जो है 14 डेज में, यानी जो है 14, जिसको आप जो है फोर्टनाइट कह सकते हैं, फोर्टनाइट में हम जो है एक टेस्ट सीरीज़ इसमें लगा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ आप हमारे चैनल से फ्री ले सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में, जिन्हें टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो सिर्फ कमेंट में जो है यस करके लिखेंगे और हम उनको टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो जिन्हें जिन्हें टेस्ट सीरीज़ चाहिए क्लास 11 की AMU के लिए या क्लास 11 JMI के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो इसमें यस लगे और हम जो टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराएंगे वो आपको 20 जून को उपलब्ध कराएंगे। आज से 20 जून को हम इस पर अपलोड करेंगे और वो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी इजीली। कोई मेंबरशिप नहीं देनी है उसके लिए, कोई पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको सब फ्री है। सो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। ठीक है, तो फ्रेंड हम बात करेंगे सबसे पहले हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट क्या होता है, हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, आप हार्ट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है बच्चों। हार्ट क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और हार्ट के अंदर एक खासियत यह है कि वो जो होता है लगभग लेफ्ट और राइट साइड के लगभग थोड़ा बीच में से होता है, हल्का सा बीच में होता है, और लगभग डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, हम फिगर से दिखवा रहे हैं आपको हार्ट के बारे में, हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। हार्ट का जो वेट है वो 300 से 400 ग्राम के बीच होता है ह्यूमन हार्ट में, याद रखिएगा कितना होता है, 300 ग्राम टू 400 ग्राम। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो फिस्ट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट के बराबर होता है इसका साइज़। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, साइज़ क्या होता है, फिस्ट के बराबर होता है, और ये लगभग जो है आपके मिडिल में थोड़ा सा होता है। ठीक है, हम फिगर से समझते हैं इसको, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, आप देखोगे ये लगभग जो है बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा लगभग। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट जो होता है इसका वर्किंग है, ये पंप करता है। ठीक है, क्या करता है, पंप करता है, वो अभी हम आगे डिटेल में भी बताएंगे आपको, तो उसकी फिक्र मत करिए। फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो है आपका हार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये
ये हर्ट है और ये बीचों बीच में मिडिल में रहता है। अब हम पढ़ेंगे हर्ट के पार्ट, कि हर्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं और हर्ट में कितने पार्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये एक और फिगर है हमारे पास हर्ट की। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें सही से, ये हमारे पास अच्छी सी फिगर है। ठीक है, हर्ट में मेनली जो है चार चेम्बर होते हैं इस तरीके से, इसको डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से चार चेम्बर हो जाते हैं। एक आपका होता है लेफ्ट आर्टियम, एक होता है आपका राइट आर्टियम, ठीक है, और एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। आर्टियम ऊपर का पार्ट होते हैं और वेंट्रिकल नीचे का पार्ट होते हैं, और इसके बीचों बीच में ये वाली जो वॉल है इसे कहते हैं इंटरसेप्टम केनाल। क्या कहते हैं? इंटरसेप्टम केनाल कहते हैं इस लेयर को। और इसके जो ऊपर आप ये देख रहे हो इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसे। और ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे वर्क करती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, देखिए हर्ट जो होते हैं ह्यूमन में, जो हर्ट होते हैं तीन टाइप के, ठीक है, टू चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, और जो है आपका फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। तो हम ये समझेंगे किसमें टू चैम्बर्ड होते हैं, किसमें थ्री चैम्बर्ड होते हैं और किसमें फोर चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन हर्ट जो होता है वो होते हैं बच्चों फोर चैम्बर्ड। कितना चैम्बर्ड होते हैं ह्यूमन हर्ट में? ह्यूमन हर्ट में होते हैं फोर चैम्बर्ड, याद रखिएगा आप। कितने चैम्बर्ड होते हैं? वैसे टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है। टू चैम्बर्ड जो होगा वो होगा आपका उसमें फिशेज वगैरह में होता है, यानी पीसेस वगैरह में होता है टू चैम्बर्ड। और जो थ्री चैम्बर्ड है आपका वो होता है रेप्टाइल्स में। किसमें होता है? रेप्टाइल्स में। इसका एक एक्सेप्शन भी है बोर्ड की दृष्टि से, आप याद रखिएगा कि जो क्रोकोडाइल होता है लगभग उसका 3.5 होता है। 3.5 का मतलब ये है कि दो आरटीएम और जो वेंट्रिकल होते हैं वो लगभग डेढ़ की स्थिति में होते हैं, इसलिए उसको चार में रखा जाता है। यानी ये माना जाता है कि क्रोकोडाइल के जो है चार हर्ट होते हैं। कितने हर्ट होते हैं? वो उस हर्ट के चार चैम्बर्ड होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ह्यूमन हर्ट है उसके भी बच्चों चार चैम्बर्ड होते हैं। ह्यूमन हर्ट के भी चार चैम्बर्ड होते हैं, इसे अगर आप डिवाइड कर ले तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से आपके इसके चार चैम्बर बन जाएंगे, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, थोड़ा सा हम पार्ट और समझ लेते हैं इसके। ये हमने हर्ट की एक TS निकाली है बच्चों, तो हर्ट की TS में आपको दिख रहा होगा कि जो वाइट से ऐसी लाइन खींची हुई है, यानी ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी उस तरह की फिगर है। तो ये लाइन जो है इंटरसेप्टम केनाल है और ये अलग करती है। देखिए इसमें कुछ हम पार्ट्स है जो हम समझेंगे, पीछे से समझ रहे थे लेफ्ट आर्टियम राइट आर्टियम। देखिए जो राइट आर्टियम होती है वहाँ पे एक जो होती है आपके लेफ्ट पार्ट जो होता है वहाँ पे एक होती है SA नोड। क्या होती है? एक SA नोड और एक होती है AV नोड। AV नोड होती है आपकी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे होती है SA नोड। SA नोड का मेनली काम होता है कि ये क्या करती है, ये जो है पंपिंग को स्टार्ट करती है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। क्या रहता है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। और ये क्या को स्टार्ट करती है? ये स्टार्ट करती है आपकी जो है कि उसको हार्ट बीट को स्टार्ट करती है। और हार्ट बीट को स्टार्ट करने के बाद में जो है क्या करती है, हार्ट बीट के ज़रिए जो है यहाँ पे इसको पंप कराती है और पंप करा के जो है ब्लड को सब जगह ले जाती है। इससे को समझने से पहले हम समझेंगे ब्लड क्या होता है। ठीक है बच्चों, ब्लड क्या है? ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम कहते क्यों ऐसे कनेक्टिव टिश्यू, ये समझिए। कनेक्टिव टिश्यू हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपकी जो है सारी ऑक्सीजन को पहुंचाने का वहां तक काम करता है, इसलिए जो है ये क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करेंगे ब्लड का कलर जो होता है किसकी चीज़ से ब्लड मिलके बनाता है। ब्लड के जो है फॉलोइंग कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं RBC, एक होते हैं WBC, ठीक है, और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, RBC, WBC और आपकी जो है प्लेटलेट्स होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरह से ये चार पांच चीज़ें मिलके जो है ब्लड बनाती हैं। क्या बनाती हैं?
ये हमारे पास ब्लड है और ब्लड की अभी जैसा हमने बताया तीन मेनली कंपोनेंट है, एक RBC कंपोनेंट है, एक WBC कंपोनेंट है और एक आपका जो है प्लेटलेट्स है। ठीक है, इसे नोट से थोड़ा सा और समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ब्लड का जो मेनली पार्ट है वो दो पार्ट होते हैं ब्लड में, एक होती है आपकी प्लाज्मा, क्या होती है प्लाज्मा, ठीक है प्लाज्मा, और इसके अलावा एक होता है आपका प्रोटीन पार्ट, क्या होता है प्रोटीन पार्ट। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा भी हमने पीछे बोर्ड पे बताया आपको। इसके कंपोनेंट क्या है ब्लड के, हमने भी आप पीछे को बताया कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल, इसके अलावा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसके अलावा प्लेटलेट जो होती है सस्पेंडेड होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ट्रांसपोर्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो इस तरीके से जो है ये तीन चीज़ों को जो है वेस्ट करता है और तीन चीज़ों को जो है क्या करता है, तीन चीज़ों को सॉरी ये पहुंचाता है या तीन चीज़ों को अपने अंदर रखता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड की अगर बात करें, नीचे दे रखा है ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, इसके अलावा डिफेंस भी देता है हमें अगेंस्ट टू इन्फेक्शन के। अब हम एक एक करके तीनों के लिए जो है पॉइंट्स पढ़ेंगे, पॉइंट्स इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे RBC के बारे में। RBC क्या है, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनका जो लाइफ पीरियड है वो 120 डेज होता है। कितना होता है बच्चों, 120 डेज। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कहाँ बनती हैं RBC और क्या काम होता है ब्लड में, तो RBC का मेनली ब्लड में काम है हीमोग्लोबिन की सप्लाई पूरी बॉडी को देना। तो इसका जो मेनली रीज़न है हीमोग्लोबिन का होना, वो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के ज़रिए जो है ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और इसकी लाइफ पीरियड होती है 120 डेज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये फॉर्मिंग दोबारा से जो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म कहाँ होता है ये भी याद रखिएगा, ये भी ख़त्म याद करके याद रखिएगा कि इसको कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं, स्प्लीन में जो है ये जाके डेड हो जाती हैं, इसीलिए स्प्लीन को इसका क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन को, फिर क्या बोलते हैं ग्रेवयार्ड कहते हैं, और फिर 120 डेज में ये नई बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना है कि RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये बालूशाही के आकार की होती हैं, इस तरीके से होती हैं बालूशाही के आकार की, और इनको जो है RBC कहते हैं। RBC के बारे में एक और ख़ास बात है, आप याद रखिएगा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टेस्ट, अलीगढ़ टेस्ट और द JMI टेस्ट, के जो RBC होती हैं वो इननक्लूटेड होती हैं, यानी उनमें जो होता है न्यूक्लस नहीं होता है। क्या होता है, न्यूक्लस नहीं होता, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को कि RBC के अंदर जो होता है वो न्यूक्लस नहीं होता है। ठीक है, तो RBC आप समझ गए मेनली काम क्या है, इनका ऑक्सीजन को पहुंचाना। उसके बाद हम समझेंगे WBC के बारे में। ये दो तरह की होती है, ऑर्गेनोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए कि WBC जो होती हैं वो दो सेल मिलके बनती हैं, उन दो सेल को कहते हैं, एक टी सेल कहते हैं, क्या कहते हैं टी सेल, और एक को कहते हैं बी सेल। याद रखिएगा बी सेल हमारे लिए आर्मी बनाती है, आर्मी तैयार करती है डिफेंस करने के लिए बॉडी को, जो बाहर की चीज़ें या ख़राब चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, तो इनको ये डिफेंस करती है, और डिफेंस करके जो है क्या करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है। इसके अलावा जो टी है ये इसको हेल्प करती है उसको ऐसा बूस्ट करने में। तो ये हो गई हमारी WBC, और WBC की एक और ख़ास बात है कि WBC ही सेहत के लिए और आपकी बीमारियों से ताकत के लिए ज़िम्मेदार है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 55% पानी होता, सॉरी 95% लगभग 90% पानी होता है। उसके अलावा जो 8% है लगभग, 8-10% वो प्रोटीन होती है जो पूरी बॉडी में घूमती रहती है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ आएगी आपकी प्लाज्मा, आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है ब्लड के बारे में, वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स का मतलब होता है वो संख्या जो आपकी ब्लड को फॉर्मिंग करेंगी, एरिथ्रोपोइएसिस करेंगी। एरिथ्रोपोइएसिस द मेकिंग ऑफ द न्यू RBC है। तो जो एरिथ्रोपोइएसिस करेंगी या जो एरिथ्रोपोइएसिस होगी उसके अंदर जो लाइफ बनेगी, ठीक है, वो उस लाइफ को जो है
बनाने के लिए जो है ब्लड में काम होता रहता है और वो नई फिर फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, वो हम आपको जो है सेकंड पार्ट में कराएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्र है और आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने पूरी वीडियो देखी। टू थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।